अरे अखिलेश, योगी जी और राहुल कैसे हल्के हल्के मसाला ला रहे हो? अरे जब तक तुम मसाला लेके आते हो उससे पहले ही मैं मसाला लगा देता हूँ। अरे मैं अकेला लगाने वाला, तुम तीन लोग मसाला ढोने वाले, फिर भी मसाला नहीं ला पा रहे हो। बिल्कुल काम में मन नहीं लगता तुम्हारे। और वो देखो राहुल, वो तो बिल्कुल काम चोर है, वो तो किसी काम का नहीं है, हमेशा पीछे ही चलता है। योगी जी तुम भी अखिलेश से पीछे चल रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे मोदी जी कितनी तेज ईंटें लगाते हो तुम दीवार में, कितनी तेज चुनाई करते हो, तुम्हारे हाथ है या कोई मशीन, कितनी तेज काम करते हो। अरे हम तीन लोग मसाला ढोते ढोते परेशान हैं, तुम जरा सी देर में सारा मसाला लगा देते हो और हमसे कह रहे हो कि तीन लोग ढो नहीं पा रहे हो। अरे कहीं फेंक देते हो मसाला, ये लगाते हो इसमें। अरे मोदी जी तुम अखिलेश राहुल की बुराई करो वो तो अलग चीज है, तुम्हारे मुंह से मेरी बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे जब तुम इतनी तेज मसाला लगा रहे हो मैं नहीं ढो पा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो पीछे हो ही जाऊंगा, अखिलेश आगे हो गया क्या करा जाए, लेकिन तुम इतनी तेज लगाते क्यों हो मसाला ये बताओ। अरे कहीं की कोई आफत थोड़ी है, कोई भगड़ थोड़ी पड़ी है। अरे मुस्कुराते बहुत हूँ अखिलेश, तुम मुस्कुराते बहुत हूँ, काम बिल्कुल नहीं करते। और योगी जी तुम्हें बहुत बुरा लगा, अरे काम को कह दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है, काम करो तेजी से करो समझे, यहाँ पर काम करने आए हो। मोदी जी किसकी मक्का भून रहे हो, एक मुट्ठी मक्का निकाल दो इसमें से, बड़ा तेज भूख लगी है यार। अखिलेश ये योगी जी की मक्का है, उन्हीं की भून रहा हूँ। तुम अपने घर से भी कोई अनाज के दाने ले आओ, चाहे गेहूँ ले आओ, चाहे बाजरा ले आओ, या चावल ले आओ, कुछ भी ले आओ, मैं तो भून दूंगा, मेरा काम भूनने का है। अरे मोदी जी मेरे घर किसी तरीके का कोई भी दाना नहीं है, ना गेहूँ है, ना बाजरा है, ना मक्का है, इस बार फसल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है मेरे पास खाने को, इसी में से एक मुट्ठी निकाल दो। अरे योगी जी आप इसमें से एक मुट्ठी मक्का मुझे दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे अखिलेश हमारा भी बेटा है, हम तुम्हें एक मक्का कहाँ से देने समझे, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। अरे घर में नहीं है दाने तो तुम क्यों चले हो खाने समझे, कहीं से भी मांग लाओ और मोदी जी से भूनवा लो, ये तो भून ही रहे हैं, ये तो हर चीज भून देंगे। अरे योगी जी इतनी बेरहम मत बनो, अरे बेचारा भूखा है अखिलेश, अगर थोड़ी सी मक्का दे दोगे इसमें से जो मैं भून रहा हूँ तो क्या हो जाएगा। अरे दे दो थोड़ी दे दो, तुम्हारी मक्का भून चुकी, मैं अभी निकालने वाला हूँ इसे, और जो मैंने ये मक्का भून के दिए इसका पैसा जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। उधार बहुत करते हो एक तो तुम, पिछली बार उधार कर गए थे अभी तक नहीं दिए वो पैसे, वो भी दो अभी। चलो मोदी जी आप कहते हो तो एक मुट्ठी मक्का दे देता हूँ, लो अखिलेश एक मुट्ठी मक्का ले लो, भर लो तुम भी पेट अपना। मोदी जी जब से तुमसे दूध लेना शुरू किया है दूध बिल्कुल भी सही नहीं मिल रहा, तुम दूध में पानी मिलाते हो, पानी मिलाकर देते हो दूध, तुम्हारा दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल पतला पानी है। अरे अखिलेश कैसे पतला हो सकता है ये बताओ, कैसे पतला हो सकता है, मैं तुम्हारे सामने ही देखो इस भैंस से दूध निकाल रहा हूँ और तुम्हारे सामने ही नाप के दूंगा। अरे मोदी जी सामने दे रहे हो, सामने दे रहे हो, अरे तुमने बाल्टी में पहले से ही पानी भर रखा है समझे, और ऊपर से दूध निकाल रहे हो, दूध और पानी मिल जा रहा है, हमें चालाकी सिखाते हो, हमें बेवकूफ बनाते हो समझे। अरे कैसी बातें करती हो अखिलेश, योगी जी से पूछ लो क्या मैंने पहले से बाल्टी में पानी छुपाया था, बिल्कुल भी नहीं। अरे अखिलेश मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल भी पानी नहीं छुपाया था, बिल्कुल भी नहीं छुपाया था, मेरे सामने बिल्कुल खाली बाल्टी में दूध निकालना है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये भैंसी पतला दूध देती होगी समझे। अरे तुम दोनों मिले हुए हो, तुम दोनों मोदी जी और योगी जी तुम दोनों मिले हुए हो, तुम दोनों मिलकर घोटाला कर रहे हो दूध में, पहले से बाल्टी में पानी रख लेते हो और बताते हो कि पानी नहीं था उसमें। अरे इतनी तो अकल है हमें, प्योर दूध कैसा होता है और पानी मिला हुआ दूध कैसा होता है, बिल्कुल पानी मिलाकर दे रहे हो तुम दूध में। अरे मोदी जी वो देखो पीछे देखो, अखिलेश चिल्ला रहा है चीख रहा है, उसे भी बैठा लो, बाल का पानी बढ़ रहा है, नहीं तो वो बाल में बह जाएगा। मोदी जी बैठा लो। अरे बह जाने दो राहुल, उसे बह जाने दो, इस अखिलेश को बह जाने दो, इससे तो मुझे बहुत तगड़ी दुश्मनी है समझे। अब इस ठेले पे बैठा लूं, इसी ठेले पर जब मैं सब्जी का ठेला लगाता था तो इसने मुझसे कभी सब्जी नहीं खरीदी, हमेशा रामू सब्जी वाले से सब्जी खरीदता था, मुझसे दुश्मनी रखता था, जिस ठेले से ये दुश्मनी रखता था उसी ठेले से इसे बचा दूं, मैं कभी नहीं बैठा लूंगा इसे। अरे मोदी जी मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे सब्जी नहीं खरीदी, मुझे इस ठेले पे बैठा लो, नहीं तो बाढ़ का पानी वो देखो बढ़ रहा है, मैं बह जाऊंगा, बैठा लो मुझे। आज के बाद अगर तुम कभी भी सब्जी का ठेला लगाओगे तो मैं तुमसे ही सब्जी खरीदूंगा, उस रामू से बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, रामू से भी सब्जी खरीदने की कोई वजह थी समझे, वो वजह ये थी वो सब्जी सस्ती देता था, तुम महंगी देते थे इसीलिए मैं उससे खरीदता था, लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, मुझे बचा लो। अरे मोदी जी जब इतने प्यार से कह रहा है बचाने को तो बचा लो समझे, तुमने राहुल को भी तो बैठा ला और लालू जी को भी बैठा ला तो उसे भी बैठा लो। ठीक है योगी जी तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो बैठा लेता हूँ मैं, अखिलेश आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन अखिलेश आगे ध्यान रखना, अगर मैं कभी भी सब्जी का ठेला लगाऊं तो मेरे पास से ही सब्जी खरीदना, मेरे इस एहसान को याद रखना समझे, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ।